हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ हेयर पिन लाइक शेप एज शोन फिगर इज मेड बाय बेंडिंग अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। देखो, इसमें दो तो सेमी इन्फिनिटी स्टेट वायर है। देखो, यहां से ये वायर तो सेमी इन्फिनिटी है, इधर से इन्फाइनाइट है, इधर से फाइनाइट है। एक इसे वायर ए कह देता हूँ। ऐसे ये वाला वायर इधर से इन्फिनिटी है और यहाँ पर ये एंड है इसका, तो ये इधर से एंड है, इधर से ये इन्फाइनाइट, सेमी इन्फिनिटी वायर, सेमी इन्फिनिटी वायर। और एक हो गया ये वाला वायर, यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल हो गया और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है। तो तीन वायर हैं, तो फाइनाइट स्टेट सेमी इन्फिनिटी वायर हो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ओवर वायर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, दिस इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर पर, इस वाले वायर पर परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला कैसे आया, अब इसमें कंफ्यूजन है तो पहले इसी पहले सोच लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे याद रखना चाहिए हमें। जरा समझिए कि हमें वैसे एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाइनाइट स्टेट वायर, इसी से लॉन्ग इन्फिनिटी स्टेट वायर, इसी से सेमी इन्फिनिटी स्टेट वायर सारे बन जाते हैं। फाइनाइट स्टेट वायर, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि अगर ये कोई करंट कैरिंग स्टेट वायर है और इसके दोनों एंड ये रहे फाइनाइट है, ये एंड ये एंड ये रहे, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकलवा रहा है, तो फॉर्मूला होता है इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पी इक्वल टू पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू ड्यू टू दिस स्टेट वायर करंट आई है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई करंट आई ओवर। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है उस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा वहां से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इंपॉर्टेंट है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है बिटवीन वायर एंड पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। साइन थीटा वन थीटा टू इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नेम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंगल आता है। इस पॉइंट को वायर के एक एंड से ज्वाइन कर लो, तो परपेंडिकुलर से डिस्टेंस एंगल निमेत्र करते हैं, परपेंडिकुलर से घुमाओ इस एंड यहां तक ज्वाइन करने वाली लाइन तक, और परपेंडिकुलर से एंगल देखते हैं हमेशा, ध्यान रखो इसको इधर घुमा लो, तो एक थीटा वन है और एक थीटा टू है। देख, इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर से ये एंगल मेजर किए गए, लेकिन एक परपेंडुलर के इस साइड में और एक परपेंडुलर के इस साइड में, दैट मीन्स देखो ये क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स एक क्लॉकवाइज लेते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो, तो करंट की डायरेक्शन ये थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, पाम के परपेंडर और आउटवर्ड बाहर की तरफ। अब तो पाम नीचे चला गया, पाम के परपेंडर आउटवर्ड करोगे तो नीचे तरफ चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर डाउनवर्ड है। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे होती, इसमें समझाना आसान हो जाता है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, है ना, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट रखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर ऐसे पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे, तो पाम के परपेंडर आउटवर्ड दिखा दो, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। ठीक है, चलिए अब इसमें दो केस बनते हैं, एक तो सेमी इन्फिनिटी बना लो, सेमी इन्फिनिटी का मतलब है एक एंड ये रहा और एक एंड इन्फाइनाइट पर गया। अब इसमें भी बहुत कंडीशन है, सेमी इन्फिनिटी वायर में ऐसा नहीं कि एक ही केस होता है, बहुत सारे केस हो सकते हैं। इसमें जो एंड पता है वहां से वायर के परपेंडिकुलर लाइन ना हो, इसी लाइन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे, जैसे इस पॉइंट पूछे, जो एंड पता है उस वहां से वायर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, इसी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, तब फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। तो देखो, यहां से आर क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई करंट है आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आर। ठीक है, साइन अब क्या था, एक एंड को ज्वाइन करो, तो एक एंड को इसे ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करने वाली लाइन और परपेंडिकुलर के बिटवीन बनने वाला एंगल था, तो थीटा वन तो कितना हो गया सोचो जीरो, इसको इससे मिलाओ,
अब ये वाला तो एंड यहां पे था, मिल गया, ये यहां पे थोड़ी है, ये तो इनफिनिटी पर है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? पैरेलल बना दो, दूसरा एंगल ये हो गया थीटा टू 90 डिग्री, तो एक को जीरो और एक को 90 डिग्री। लेकिन ये फॉर्मूला जो बन के आ रहा है वो याद रखना, जो एंड पता है वहां से एक वायर पर परपेंडिकुलर करो, उसी परपेंडिकुलर लाइन पर मैग्नीट्यूड पूछे तब फॉर्मूला बनना है। ये हमेशा मत लगाया करो इस फॉर्मूले को, है ना, बना लिया करो फिर देख मैंने ये बना लिया ये। अब ये डायरेक्टली याद हो लेकिन कंसेप्ट के साथ कि म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर, तो मैंने यही कंसेप्ट लगाया डायरेक्ट लिख दिया आई इतना। देखो जो एंड पता है वो ये रहा और इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो वायर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई मैंने, तो इसी लाइन पे तो है पॉइंट, वायर ऐसे है, वायर के परपेंडिकुलर से ना लिए इसी लाइन पर, ठीक है। डायरेक्शन निकाल लो, करंट की डायरेक्शन में थंब फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डाउन बढ़ा गया, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड डाउन बढ़े। इसकी वजह से भी निकालो तो ये भी सेम इनफिनिटी वायर है और जो एंड पता है वहीं पर पूछ रहा है एसी के परपेंडिकुलर, तो ये भी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वैल्यू इसकी वजह से भी बी टू की वैल्यू इतनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई है और परपेंडिकुलर सेपरेशन आ रही है, ये भी सेम इनफिनिटी वायर है, यही केस है सेम टू सेम। डायरेक्शन चेक कर लें, करंट की डायरेक्शन ऐसे, फिंगर अब ऊपर की तरफ हो जाएंगे, नीचे तरफ ही आ रहा है, डाउनवर्ड ही आ रहा है बेटा, तो ये भी डाउनवर्ड आ रहा है। ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखे हैं बी थ्री म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर, ये आर्क हो गया, लूप नहीं सर्कुलर आर्क, और आर्क के एंगल होता है यहाँ पर थीटा, थीटा रेडियन में लिखते हैं, और सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है, ये आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, तो सेंटर ने आर्क पर एंगल बनाया ये वाला कितना है, देखो इस वाले आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, थीटा हो गया 180, तो यहाँ पर 180 लिख दो, रेडियन में लिखना पर, तो पाई लिख दो, आई पाई बाई आर। और डायरेक्शन चेक कर लो, इसमें अपनी फिंगर को, ये सर्कुलर पाथ हो ना, तो अपनी फिंगर को राइट हैंड ही लो, अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, ऐसे कर्ल करोगे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में करो राइट हैंड में, सर्कुलर पाथ में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थंब इधर आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो अपनी फिंगर को, और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये थंब आ रहा है, इसमें भी डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, नेट निकाल लो, तीनों को जोड़ लो, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है, बी बराबर बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों को दो बार ऐड करेंगे तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाई आर हो जाएगा इन दोनों का सम, प्लस बी थ्री है म्यू नॉट आई पाई ओवर 4 पाई आर, तो यहाँ से म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ 2 बचा यहाँ प्लस बचा पाई बचा, तो बी नेट इतना आ गया भाई, इतना हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद होते ओरल हो जाता, ओरल दिख जाता है, बस दर्शन चेक करो और ओरल कर डालो, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है आपका बी चॉइस, 0.4 पाई आर, 0 आई भी होगा बेटा यार, यहाँ गलती यहाँ पे देखो आई है, यहाँ पे भी आई होगा 2 प्लस पाई, बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।